हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम अम्ब्रेला का डिस्कर्ट बनाना सीखेंगे। ये देखिए मेरा नेट का फैब्रिक है, उसको मैंने 2 मीटर लिया है। ये मेरा टापेटा सिल्क है, ये मुझे लाइनिंग के लिए नीचे लगाना है। ये मैंने 1.5-1.5 मीटर लिया है। देखिए फ्रेंड, ये मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है अपना रेड कलर का। ये हम अपनी स्कर्ट के नीचे बॉटम में फ्रिल अटैच करेंगे, उसके लिए ये मैंने 1 मीटर लिया है। जितने भी आपके स्कर्ट के नीचे घेर होते हैं उससे हमें डबल या ट्रिपल लेना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा आप। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमने इसको एक बार डबल फोल्ड किया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कोना पकड़कर उस कोने तक वहां पर मिलाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको ट्रायंगल शेप में यहाँ से कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी कमर लेंगे और यहाँ से लेंथ लेंगे। देखिए हमने यहाँ से इसको इस तरह से कोने को मिलाया है, जो हमारी कमर है बच्चे की उसकी रेस्ट है 28 इंच। तो 28 का हम यहाँ पर 1/4 लेंगे। 1/4 7 होता है, तो हम 1 इंच यहाँ से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। देखिए अब इसके बाद जो हमें लेंथ है, लेंथ हमें 30 इंच रेडी रखनी है। लेंथ हम 30 इंच रेडी रखेंगे। 2 इंच की हमारे ऊपर बेल्ट लगेगी, तो जो हमारी बेल्ट है उसके छोड़कर नाप करेंगे। ये देखिए 2 इंच हम यहाँ पर बेल्ट का छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 30 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो 28 निशान हम चारों तरफ लगा लेंगे। ये देखिए हमने अपने यहाँ पर निशान लगा लिया है। ये हमारा निशान है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने ऊपर से और नीचे से अपना कट कर लिया है। अब इसके बाद जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा है, जैसे हमने अपनी ये नेट वाला फैब्रिक कट किया, इसी तरह से हम इसको भी अम्ब्रेला कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपनी लाइनिंग भी कट कर ली है। अब इसके बाद हम अपनी बेल्ट कट करेंगे। हमें यहाँ पर अपनी स्कर्ट में फ्रंट में हम बेल्ट लगाएंगे और पीछे वाला पार्ट हम इलास्टिक कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। जो हमारी स्कर्ट है उसकी वेस्ट है, जो कमर है वो टोटल 28 इंच की है, 28 इंच की। तो जो कमर का हाफ होगा 14 इंच, तो हम 14 इंच की हमने पट्टी ली है। जो फ्रंट पार्ट होगा उसको हमने 14 इंच की पट्टी कट की है। देखिए हमने 14 इंच की पट्टी कट की है। और ऐसे ही हमने कपड़ा लिया है और ये हमने 5 इंच चौड़ा लिया है। ये देखिए 5 इंच चौड़ा लिया है।
इसके बाद हम यहाँ से इलास्टिक को रखेंगे, एक बार यहाँ पर इसको हम पक्का कर लेंगे। और यहाँ से इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और हम अपनी लास्ट से बीच बीच में ऐसे खींचते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने यहाँ पर लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक इलास्टिक में अपनी सिलाई लगाएंगे। ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो बीच में से मुड़े नहीं। इलास्टिक को अपनी बेल्ट को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद जो हमने अपना प्लेन फैब्रिक लिया था, अब हम इसमें से अपनी नीचे की फ्रिल कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आपको अपनी लेंथ चाहिए उसमें से उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब जितने भी हमारे घेर हैं इसमें से मुझे अपनी 5 इंच लंबी अपनी फ्रिल कट करनी है। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपनी ये 4 पट्टियां अपनी कट करी है 5 इंच लंबी, और उसकी चौड़ाई हमने अपने घेर के अकॉर्डिंग जितना हमारा घेर था उससे हमने डबल ली है। तो ये फ्रेंड, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे बॉटम वाला पार्ट है हमें फ्रिल इसमें अटैच नहीं करनी है। जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है, ये सिल्क वाला, ये हम अपनी फ्रिल इसके अंदर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर वाले पार्ट को यहाँ से बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। देखिए हम बारीक बारीक, आप चाहे तो फ्रेंड यहाँ पर पिको भी करा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसके बॉटम में हम अपनी फ्रिल अटैच करेंगे यहाँ तक। आप चाहे तो फ्रेंड जो हमारे नेट वाला पार्ट है नीचे का, इसमें बुकरम सॉरी पिको भी करा सकते हैं। नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों यहाँ से इस तरह से पास पास में अपनी प्लेन्स लगाते जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड हम अपने पूरे घेरे में अपनी फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने नीचे बॉटम में सारे में अपनी फ्रिल अटैच कर ली है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी सुंदर सी अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनकर रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।